है जी जरूर प्लीज काइंडली कमेंट ऑन दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव मैटर बिकॉज देखें अगर मतलब है अगर अदालतों के जजेस ये कह रहे हैं तो मेरे लिए तो फिर मतलब है कि नाउ इट्स लेट्स से द पंडोरास बॉक्स इज नाउ ओपन. पहले लोग ढके छुपे अल्फाज में कहते थे, सोशल मीडिया पे लिखते थे, उनको मारा जाता था, उठाया जाता था, जो भी किया जाता था, कुछ सच था और काफी हद तक झूठ भी था. लेकिन अगर अदलिया ऐसे इल्जाम लगा रही है तो हम फिर अवाम किससे इंसाफ लेने जाए? आपने यास्मीन बात की पंडोरास बॉक्स की. जी बॉक्स जो है वो एक सिंबॉलिक बात भी है और इसके अंदर क्या है कि जब वो खुल उसको इसलिए बंद रखा जाता है कि बलाएं जो हैं उसके अंदर ही मुकीद रहे और वो बाहर ना निकले. तो यू राइट, पंडोरास बॉक्स इज ओपन. बट क्या इस तरह के वाकयात पहली दफा हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली आप चले जाएं, कितना खूबसूरत जजमेंट था मौलवी तमीजुद्दीन के केस में जिसको ओवरटर्न किया फेडरल कोर्ट ने और जस्टिस मुनीर को कोई नहीं भुलाता जी, कि जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ. एंड यू नो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, जस्टिस मुनीर बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑफ अयोध्या. ट्रू है ना जी. ये सिलसिले उस वक्त से शुरू हैं और आपका जो इंडेक्स है ना जुडिशरी के मुतालिक कि वो कहाँ स्टैंड करती है, इकोनॉमिक इंडेक्स होता है आपका, ह्यूमन राइट्स का इंडेक्स है, जुडिशरी का है, रूल ऑफ लॉ का है, उसमें हम कहाँ हैं? हम लोएस्ट रंग्स में से चौथी रंग पे हैं जी. सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. अब इसमें क्या कसूर एक पार्टी का है, दूसरी पार्टी का है, क्या ये पॉलिटिकल है या ये एक ऐसा सिस्टम बन गया हुआ है हमारे मुल्क में द लास्ट 74 ईयर्स कि हम इन चक्रों में पड़े रहते हैं? मुझे बताइए, आज की जो आपकी डिबेट है जी, आज की डिबेट हमारी इकोनॉमिक्स पे नहीं होनी चाहिए. होनी चाहिए बिल्कुल. पावर्टी एलिविएशन पे नहीं होनी चाहिए. ट्रू. या एजुकेशन पे नहीं होनी चाहिए. तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. ये शर्म का मकाम है कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं, एक इदारा दूसरा इदारा, अब मैं नाम दिए देता हूँ, पार्लियामेंट को आपने बिल्कुल जीरो करके रख दिया, पार्लियामेंट का बायकॉट किया, पार्लियामेंट से आप निकल के चले गए, पार्लियामेंट में आते नहीं थे आप, आपने दशनाम तराजी की, बुरी बुरी बातें की, आपने प्री मच्योरली असेंबलीज को डिसॉल्व किया, ये सब कुछ किए जा रहे हैं. हम कहाँ जा रहे हैं? और अब ये एक इदारा था जिस इदारे के अपने अंदर से आप देखेंगे इम्प्लोड. अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या डिवीजन नहीं था, कितना बड़ा आपने कैस्टन देखा, कितना बड़ा डिवीजन देखा. True. कि वहां पे 7 का बेंच, फिर 5 का बेंच, फिर 4 का बेंच, फिर 3 का बेंच. ये क्या चीजें हैं? दिस इज ऑल ट्रिकलिंग डाउन. और मुझे खौफ पता है क्या है? जी. कि अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जी, तभी कितने तवज्जो दी है उन लोगों के ऊपर जो कि सिविल कोर्ट में धक्के खाते पड़ते हैं. और किसी ने कभी तवज्जो दी है सिविल कोर्ट के जजेस के ऊपर? क्या उनको इंसाफ मिल रहा है? देखिए वो तो डरों में बैठे हुए हैं. बिल्कुल. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.